हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास प्लस टू फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 25 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट एन इंसुलेटर। नेक्स्ट है, व्हेन प्लास्टिक कॉम इज पास थ्रू द ड्राई हेयर द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम, जब हम कंघी को जो है वो सूखे हुए बालों में जो है वो पास करवाते हैं, तो जो है वो हमारी कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो रबिंग के प्रोसेस में जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 केप्ट एट डिस्टेंस इन एयर आर अट्रैक्टिव, दो चार्जेस हैं जिनके बीच में जो है वो फोर्सेस अट्रैक्टिव है, हमें बताना है कि उनका नेचर कैसा होगा चार्जेस का। अब क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है यानी कि दोनों पे जो है वो अपोजिट चार्ज होगा, अगर एक पॉजिटिव है और तो दूसरा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए तभी वो अट्रैक्ट करेगा। अब जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव में आएगा यानी कि लेस देन जीरो आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर थ्री चार्जेस पी क्यू आर, इफ पी एंड क्यू आर रिपेल ईच अदर एंड पी एंड आर अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द नेट नेचर ऑफ द फोर्सेस बिटवीन क्यू एंड आर। अब जो है वो पी को क्यू जो है वो रिपेल कर रहा है यानी कि पी और क्यू के ऊपर जो है वो सेम चार्जेस है, अगर पी पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, अगर पी नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पी जो है वो आर को अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि इनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, अगर पी पॉजिटिव है तो आर नेगेटिव होगा, अगर पी नेगेटिव है तो आर पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि पी और क्यू जो है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो चार्ज पी के ऊपर होगा वही चार्ज जो है वो क्यू के ऊपर भी होगा, और अगर पी जो है वो आर को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यू भी तो आर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पी और क्यू के ऊपर सेम चार्ज है, तो पी और क्यू भी एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट ही करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए अट्रैक्टिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इन द फिगर टू प्रोटॉन्स पी सिंबल पी एंड वन इलेक्ट्रॉन सिंबल ई ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी, द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन, हमें सेंट्रल प्रोटॉन के ऊपर जो है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बताने हैं कि कितना लगेगा। अब ये प्रोटॉन जो है वो इसको रिपेल करेगा यानी कि इसको इस तरफ खींचेगा, धकेलेगा यानी कि रिपल्शन में जो है वो अपने से दूर धकेलेगा, ये इस तरफ इस पर फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट ई जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो भी जो है वो इसको इसी तरफ खींचेगा, तो दोनों मिलके जो है वो इसको टुवार्ड्स ए जो है वो पुश करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज गिवन कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे दिया जा सकता है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे के, तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड -2Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू इज ई देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2Q विल बी, हमें बताना है कि -2Q की जगह पे जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब क्योंकि क्यू के ऊपर ई है तो 2Q के ऊपर जो है वो E/2 होगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, अगर हम एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क और फोर्स जो है वो दोनों ही लगेंगी, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स, तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, टू आइडेंटिकल लॉन्ग पैरलर कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी, द मीडियम बिटवीन द प्लेट इज वैक्यूम, इफ द एक्साइलम नोट इज द डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय द सिग्मा अपॉन 2 एक्साइलम नोट, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू एंड क्यू प्लेस्ड आर मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद द फोर्स इफ द वन ऑफ द स्फीयर इज टेकन अराउंड
द अदर वन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर देन द वर्क डन विल बी जीरो. तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए. नेक्स्ट एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स चार्ज टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप द पोटेंशियल ऑन द न्यू ड्रॉप विल बी वी एन की पावर 2/3 यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37. अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड हैज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम ऑन इट्स प्लेट. इफ द चार्ज ऑन द प्लेट इज चेंज टू 2 माइक्रोकूलम द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी. हमें बताना है कि अगर हम चार्ज को 1 से रिप्लेस करके 2 माइक्रोकूलम कर दें तो हमारा जो है वो फोर्स जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 माइक्रोफेराड ही रहेगी, उस पर जो है वो चेंजेस ही नहीं आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38. टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर चार्टेड टू पोटेंशियल्स V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली वेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्ट चार्जेस इज. तो हमें जो है वो रिस्पेक्ट चार्जेस की रेशियो बतानी है, वो आ जाएगी C1 रेशियो C2 यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन 39. अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज के. इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस इज सी देन द मॉडिफाइड कैपेसिटेंस विल बी के सी हो जाएगी. तो ऑप्शन ए राइट होगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40. A given charge situated at a certain distance from the electric dipole of very small length along its axial line experience force F. If the distance between the charge is double, the force on the charge will become. हमें बताना है कि अगर distance को double कर दिया जाए तो force कितना हो जाएगा. जो हमारी electric field होती है वो directly proportional होती है 1/r³. अगर हम r को double कर रहे हैं यानी कि 2 times कर रहे हैं तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा. तो electric field जो है 1/8 हो जाएगी, तो force भी जो है 1/8 हो जाएगा. तो ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42. हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस बाई पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट इन द एयर. हमें बताना है कि ये कितनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E=1/4πε₀ Q1 Q2 / R³. अब क्योंकि चार्जेस भी 1 1 है और डिस्टेंस भी 1 1 है तो ये पूरा फैक्टरी 1 हो जाएगा. तो हमारा ये इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻¹. तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट होगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए. ऑप्शन सी हमारा राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर द मेटल. जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है मेटल का वो इनफाइनाइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड एंड 5 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी. जब हम सीरीज में अटैच करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो रेशियोज में आएगा. तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 यानी कि इसमें जो है वो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी यानी कि 2 माइक्रो फराड से भी जो है वो लेस होगी. तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट बतानी है. तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ. इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 1 चार्ज एट द सेंटर. तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48. A hollow metal sphere of radius 10 cm is charged such that the potential on its surface is 8 volt. The potential at the center of the sphere. तो center पर जो potential होता है वो 0 होता है. तो question number 48 के लिए option A जो है वो हमारा right होगा. तो इसके साथ हमारे जो है वो सारे MCQs electrostat के खत्म होते हैं. Next video lecture में हम इसके true false जो है और जो है वो करेंगे.
तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।